हेलो एवरीवन, वेलकम टू गिल्ड मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई होप आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन की बात करें तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मीठा, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहने वाला है। नवंबर के फर्स्ट वीक के टॉप 100 एमसीक्यू हम कवर करेंगे और फिर इसके साथ कंटिन्यू सीरीज को जारी रखेंगे सेकेंड वीक, थर्ड वीक, और फिर हम लोग पूरे मंथ का यानी एनालिसिस करते हैं। तो उसी पैटर्न के साथ हम कंप्लीट करेंगे और आपको किसी अन्य मैगजीन से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। जो आने वाले पेपर पंजाब पीपीएससी फॉरेस्ट असिस्टेंट एंड पीएससीबी क्लर्क पेपर, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल पेपर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैनरा बैंक आईबीपीएस मेंस पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि गिल्ड मेंटोर आप तक समय दर समय सरकारी नौकरी के संबंधित सबसे पहले स्टिक इन्फॉर्मेशन लेके आता है। आप चाहते हैं कि इन सभी क्लासेस के और आपके पास सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें तो आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। हम शुरू करते हैं आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन। हम शुरू कर रहे हैं। प्यारे बंधुओं, आप फटाफट से शेयर कर दें ताकि आप जैसे हजारों स्टूडेंट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमें जुड़ जाने चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि विच कंपनी फायर 48 इंप्लॉइज फॉर सेक्सुअल हरासमेंट इन पास्ट टू ईयर्स। चार ऑप्शन है, गूगल, सैमसंग, एप्पल, वेरिजन। तो इस क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, गूगल इज द राइट आंसर। बात करते हैं गूगल के सीईओ की। अब पेपर के संदर्भ से एडिशनल फैक्ट है, ये पेपर में पूछे जाएंगे आपसे कि गूगल के सीईओ कौन है। इनका नाम आपने याद रखना है कि सुंदर पिचाई, ठीक है, आपने याद रखना है सुंदर पिचाई। फिर इसके बाद में आता है कि सैमसंग के सीईओ कौन है। प्यारे बंधु, तो आपने याद रखना है कि सैमसंग के सीईओ हैं को डोंग जिम, और फिर इसके दूसरे होंगे कि किम, हाँ जी याद रखें, किम ह्यून सक, ठीक है, और तीसरे इसके हैं, उनका नाम है किम की नाम। क्लियर। एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल के जो सीईओ हैं उनका नाम टिम कुक है, सब लोग जानते हैं। और वेरिजन की बात करते हैं तो इनके जो सीईओ, इनका नाम है हंस, ठीक है, वेस्टबर्ग। तो याद रखेंगे, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, विच स्टेट अनाउंसेस ड्रोट्स इन 180, ठीक है, 180 तालुक्स द चॉकिंग आउट 8 स्कीम्स ऑफ प्रोवाइड रिलीफ इन अफेक्टेड एरियाज। तो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। तो इट्स राइट आंसर इज द महाराष्ट्र। आपको पेपर में पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र के जो सीएम का नाम है देवेंद्र फडणवीस है। यहां के गवर्नर की बात करते हैं तो आपको याद रखना है कि सी विद्यासागर राव है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात के सीएम है विजय रूपाणी है, और यहां के जो गवर्नर है ओपी कोहली है। तमिलनाडु की बात करते हैं, पेपर में इंपॉर्टेंट फैक्ट सारे के सारे बता रहा हूं और इनको नोट कर लें, आपको बार बार सोचना समझना नहीं पड़े, ठीक है। तो इनके जो सीएम है TEK, ठीक है, पलानी स्वामी, याद रखेंगे पलानी स्वामी। तो यहां के गवर्नर की बात करते हैं तो बनवारी लाल पुरोहित यहां के गवर्नर हैं। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो ममता बनर्जी यहां के सीएम हैं, और यहां पर बात करते हैं कि केसरी नाथ त्रिपाठी यहां के गवर्नर हैं। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। विच कंपनी अपॉइंट्स द साहले वॉक जावदे एज फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट, वन ऑफ द बेस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, मैक्सिमम पेपर ऑनलाइन कंडक्ट होते हैं तो आपको जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स होती हैं इन्हीं पे क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जाते हैं। या तो जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रेसिडेंट, हमारे देश के जैसे वाइस प्रेसिडेंट अगर किसी अदर कंट्री में जाते हैं या किसी अदर कंट्री के इंडिया में आते हैं तो वहां के एडिशनल फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। हार्डली हमें दो दो सेकंड लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस पे। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, इथोपिया इज द राइट आंसर। इथोपिया के जो प्रेजिडेंट है उनका नाम वापस से रिपीट करेंगे हम, साले वॉक जेवदे। पाकिस्तान की बात करते हैं तो इमरान खान यहाँ के सीएम, माफ करना, प्रधानमंत्री हैं, और आरिफ अलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं। इथोपिया की बात करते हैं पेपर के संदर्भ से, सारे के सारे बताता चलूंगा कि आडिस अबाबा यहाँ के कैपिटल सिटी है, और इथोपियन बिर यहाँ की करेंसी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं गाइज। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो रियाद यहाँ की कैपिटल सिटी है, और रियाद यहाँ की कैपिटल सिटी है और रियाल यहाँ की करेंसी है।
नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, पियोंगयांग, नोट करेंगे पियोंग, हाँ जी मैं लिख के दे देता हूं आपको, पियोंगयांग नोट करेंगे, पियोंगयांग यहाँ की कैपिटल सिटी है। नॉर्थ कोरियन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ कोरियन नोट करेंगे वॉन यहाँ की करेंसी है। तो यही पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और मैं आपको यही क्वेश्चन से रिपीट करवाऊंगा। ठीक ठीक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वन ब्रॉन्ज मेडल इन वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? पूजा, पहला ऑप्शन आता है पूजा टांडा, या वरुण कार्तिक, या दिनेश गुप्ता, या सुरेश कुमार। तो इट्स इसके पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा पूजा टांडा इज द करेक्ट आंसर। अब बात आती है कि वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप का कौन सा एडिशन था, तो इसके कहां से कहां तक हुआ, किस कंट्री में खेला गया, ठीक है, किस पर्टिकुलर जगह पर खेला गया, और यहां पर टोटल इंडिया की पोजीशन क्या थी, टॉप कंट्री की पोजीशन क्या थी। तो ये सारे के सारे एडिशनल फैक्ट आपको वीडियो को पॉज करें, आराम के साथ पढ़ें और इसके नोट्स बना लें। पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विच कंट्री बिकम सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मार्केट, सोलर मार्केट बन चुकी है, तो आपको बताना है इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या इंडोनेशिया। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इंडिया इज द राइट आंसर। तो इंडिया है वो सेकेंड लार्जेस्ट मार्क यानी सोलर मार्केट बन चुकी है, तो ये पेपर में आपको बार बार पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के एडिशनल फैक्ट हमने रिपीट कर लिए, इमरान खान यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, आरिफ आलवी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल सिटी है। सऊदी अरेबिया की बात करते हैं रियाद और रियाल, बात करते हैं इंडोनेशिया की तो जकार्ता यहाँ की कैपिटल सिटी है, रुपया यहाँ की करेंसी है, जोको विडाडो यहां के प्रेसिडेंट है। हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। विच पैलेस नाटोज द बिगेस्ट मिलिट्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिगेस्ट मिलिट्री पेपर में याद रखना है कि माने वर्ड्स बिगिन, तो नॉर्वे, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नोट करते चलेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है नॉर्वे है, नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, ठीक है, चाइना की कैपिटल है बीजिंग, ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, डेनमार्क की कैपिटल सिटी आपने मुझे बताना है। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम विच डेट इंडियन रेलवे यूटीएस ऐप, यूटीएस ऐप टू बुक द अनरिजर्व टिकट्स ऑनलाइन, नवंबर 1st, दिसंबर 3rd, या फरवरी 2nd, या मार्च 5th। तो पेपर के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इनको नोट करते चलें, करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो नवंबर 1st है, ठीक है, नवंबर 1st को इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे ने यूटीएस ऐप एक बुक की है जो अनरिजर्व टिकट ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। साइंटिस्ट रिसेंटली फाउंड दैट, आपको बताना है चार ऑप्शनों के अंदर क्या होगा, आर के द पोलिनेटर्स इन द हिमालयन इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मॉथ, या पॉलन वेब्स, या बी, ठीक है, फ्लावर बेटल्स। तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर करेक्ट आंसर होगा मॉथ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज टू बी द एक्वायर्ड बाय इंडियन सीमेंट्स लिमिटेड, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ना है, आंसर देने की कोशिश करना है। ट्रांस वर्ल्ड द जॉनेट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, आईजीसी माइनिंग प्राइवेट, यह हम बात करेंगे स्प्रिंग वे माइनिंग प्राइवेट, यह हम बात करते हैं एनएलसीआई माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड। सो गाइस इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्प्रिंग वे माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विच बैंक टू इंजेक्ट 40,000 करोड़ इन टू बैंकिंग सिस्टम वाया ओएमओ इन नवंबर 2018। ओएमओ की बात करते हैं तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, तो 40,000 करोड़ की बात है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी बैंकों का बाप। यस बैंक की बात करते हैं, यस बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है और आपको इनके चेयरमैन या सीईओ पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम लोग इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट करते चलेंगे। पेपर के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जहां लगेगा इंपॉर्टेंट है उनके एडिशनल फैक्ट साथ में बताता चलूं, नोट करते चलें। मैं प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रीवियस जितनी भी सीरीज है उनके अंदर रिपीट करवाता रहता हूं। तो राणा कपूर आपने नोट रखना है, राणा कपूर शॉर्ट फॉर्म में बताता चलूंगा, ठीक है। टैगलाइन की आपने बताना है कि कुछ क्वेश्चंस में बताता चलूं, कुछ मैं पूछूंगा। आज की सीरीज का सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि यस बैंक की टैगलाइन बतानी है। कैनरा बैंक की बात करते हैं तो TN, ठीक है, याद रखेंगे, हाँ जी, TN मनोरम, तो मनोरम चेयरमैन है और बेंगलुरु इसका हेडक्वार्टर है। और इस कैनरा बैंक की जो टैगलाइन है टूगेदर वी कैन, नोट कर सकते हैं टूगेदर वी कैन। आरबीआई की बात करते हैं, उर्जित पटेल यहाँ के कौन है प्यारे बंधुओं, उर्जित पटेल कौन है आरबीआई के,
गवर्नर है, नोट करेंगे इस बात को, ठीक है। बीच बीच में ठहराव दे के बोलूंगा ताकि आपके दिमाग में बात स्ट्राइक करे कि हाँ क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। देना बैंक की बात करते हैं, देना बैंक की जो सीईओ हैं उनका नाम है कर्नम शेखर, मुंबई इसका हेडक्वार्टर है और ट्रस्टेड फैमिली बैंक इसकी टैगलाइन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन यानी यूनाइटेड नेशन, न्यूयॉर्क, रशिया, जिनेवा, डेनमार्क। इस क्वेश्चन का आंसर होगा न्यूयॉर्क इज द राइट आंसर। रशिया की बात करते हैं, रशिया की कैपिटल सिटी मॉस्को है, यहाँ की जो करेंसी है वो रूबेल है, ठीक है। जिनेवा है स्विट्जरलैंड में, डेनमार्क आपके आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है, आपने बताना है यहाँ की कैपिटल और करेंसी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट ज्वाइन विद द ब्रिटिश काउंसिल ऑन एजुकेशनल कोलाबरेशन यानी एजुकेशनल कोलाबरेशन हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हु इनोग्रेट्स द फिफ्थ एडिशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया नेशनल द ऑर्गेनिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट रखेंगे आप, दिनेश, श्री दिनेश गुप्ता, श्री मेनका गांधी या श्री सुरेश कुमार, श्री नीतीश कुमार। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा श्री मेनका गांधी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डिड द ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑटो रिक्शा ड्राइवर ऑफ एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट साइन एन एग्रीमेंट फॉर मैनेजमेंट ऑफ ई ऑटो फीडर कोच मेट्रो। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनका पर्टिकुलर आंसर क्या होगा, इन्फोटेक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, या बात करते हैं कि एलसिक प्राइवेट लिमिटेड, या टेक्नोविया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, या केरला फीड प्राइवेट लिमिटेड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा गाइस वो होगा कि टेक्नोविया सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, व्हाट इज प्रोवाइडेड अंडर द स्नेहा समर्पण स्पर्शम प्रोजेक्ट इन द फ्लड हिट केरला। तो इसमें है करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, 1 लाख एंड शेल्टर, या प्रोवाइडिंग 25 केजी राइस एंड फोडर, या बात करते हैं ई सर्विसिंग एंड लॉस द सर्टिफिकेट्स 100 बैग्स ऑफ कैटल फीड। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 100 बैग्स ऑफ कैटल फीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिक्लेयर्ड ड्रॉट्स इन 151 तहसील्स इन 21 डिस्ट्रिक्ट्स, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसके बारे में डिस्कशन आपसे कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया विन देयर यानी 5th, 8th, 7th, 6th लगातार ओडीआई सीरीज किसके खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और वेस्ट इंडीज टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, इंडीज कर दिया गया, यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा 8th, तो 8वीं लगातार वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भारत ने सीरीज जीती है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिड मद्रास हाईकोर्ट बैन रिगार्डिंग ड्रग्स, चार ऑप्शन आपके सामने है। विशेषाधिकार की बात करें तो प्रैक्टिसिंग या सेलिंग फॉर द हाई प्राइस, ऑनलाइन ड्रग सेल, या ड्रग दैट आर बैंड बाय USFDA। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑनलाइन ड्रग सेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू, याद रखना है आपने, एम वेंकैया नायडू ऑन 31st अक्टूबर 2018 इम्बार्क्ड ऑन ए 3 नेशन विजिट, तो किस किस कंट्री में गए थे, ठीक है, बोट्सवाना, जिम्बाब्वे, और तीसरी कंट्री कौन सी थी, इथोपिया या तंजानिया या नाइजीरिया या मालावी। तो आपको पेपर के संदर्भ से बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो चौथा आंसर होगा वो होगा मालावी इज द राइट आंसर। और मैं आपसे आज की सीरीज का थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इन सभी के सभी कंट्री की कैपिटल सिटी एंड करेंसी आप बताएंगे, और जिसके सबसे बेस्ट आंसर होंगे मैं आपके इन कमेंट्स को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा और ये शॉर्टलिस्ट करूंगा कि सबसे अच्छा किसके द्वारा जवाब दिया गया। अगला आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, अंडर विच डिपार्टमेंट फॉर देयर इमरजेंसी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर सोशल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सेकंड राइट इज द आंसर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, मैं मिलूंगा नेक्स्ट में, तब तक अपना ख्याल रखें और शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और ये करंट की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी गाइज आप सबके लिए, जिसके अंदर की हम लोग 100 MCU को कवर करते चलेंगे।